भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आदित्य पंडित और मैं आप लोगों को आज रिवर्स ऑक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं उसके बारे में बताऊं। रिवर्स ऑक्शन जनरली थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला रिवर्स ऑक्शन होता है कि कोई भी टेंडर, जैसे ये टेंडर है, बिड नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि ये रिवर्स ऑक्शन, ये बिड रिवर्स ऑक्शन में कन्वर्ट हो जाए। तो आपको ये पता कैसे चलेगा, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये बिड हम डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे आपका इसका डिटेल्स लिखा है। ये क्या हुआ है, बिड टू आरए रिवर्स ऑक्शन में जाएगा कि नहीं, तो नो है। दैट मींस ये टेंडर बिड में ही खत्म हो जाएगा, ये रिवर्स ऑक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा। दूसरा टेंडर होता है, यही बिड रिवर्स ऑक्शन में जा सकता है यदि यहाँ नो रहा तब भी। ये कंडीशंस कब होंगे, जब एक से ज्यादा बिडर, मतलब मिनिमम टू बिडर्स और मोर देन टू बिडर्स सेम रेट में कोई भी टेंडर को कोट करता है, तो ये टेंडर फिर रिवर्स ऑक्शन में चले जाएंगे और फिर रिवर्स ऑक्शन में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। फिर रिवर्स ऑक्शन में जो भी सबसे लो रेट देगा उनको टेंडर मिल जाएगा, ये दूसरा कंडीशन। और एक तीसरा कंडीशन ये है कि ये टेंडर ही रिवर्स ऑक्शन में निकले, ये बी की जगह फिर वैसे टेंडर में क्या रहेगा, यहाँ जो आपको बी दिख रहा है ये बी की जगह आर ए रहेगा। जो टेंडर में बी की जगह आ रहे रहेगा, यहाँ पे ये ऑफर प्राइस का जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑफर प्राइस का ऑप्शन नहीं रहेगा। यहाँ पे आपको टेक्निकल बिड, फिर सीधा आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड रहेगा, आपको जो भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स है इसके रिगार्डिंग टेंडर को स्टडी करने के बाद वो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। EMD रहा तो EMD भरना है, नहीं रहा तो स्किप हो जाएगा और OTP से वेरीफाई करना। फिर ये टेंडर ओपन होगा, ओपन होने के बाद जो लोग के डॉक्यूमेंट्स ओके है, मतलब जो लोग टेक्निकल में क्वालिफाई होंगे वो लोग रिवर्स ऑक्शन के लिए जा पाएंगे। तो रिवर्स ऑक्शन का फिर आपको डेट बाय मेल और बाय SMS आ जाता है और उस दिन आपको रिवर्स ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना। सेम कंडीशन सबके साथ होगा। और आपको रिवर्स ऑक्शन में यदि पार्टिसिपेट करना है एज ए फाइनेंशियल बिड, तो आप कहां से करेंगे, यहां से नहीं करेंगे, आपको वो टेंडर आपको बिड टू आरए में दिखेगा यहां पे। तो जैसे मेरा एक टेंडर यहां पे है, ये बिड नंबर है, ये बिड टू रिवर्स ऑक्शन में कन्वर्ट हो गया, इसलिए आपको ये बिड टू एरो दिखा कि यहाँ पे रिवर्स ऑक्शन दिखा। देखिए यहाँ पे पहले बी था, अभी ये आर हो चुका है, मतलब ये रिवर्स ऑक्शन में कन्वर्ट हो गया। अभी मुझे ये टेंडर में पार्टिसिपेट करना है तो मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, यहाँ पे पार्टिसिपेट पे क्लिक करूंगा। अभी इसके रेफरेंस प्राइस डाले हुए, मतलब जो सबसे लोएस्ट प्राइस था इस टेंडर का उनका प्राइस रेफरेंस प्राइस पे आ जाता है 33885। अभी मुझे जो भी रेट कोट करना है इससे नीचे करना है, हम इससे जा ऊपर कोट नहीं कर सकते। करंट L1 जो अभी करंट में L1 है, जिसने भी कोट किया उनका प्राइस हमको बता रहा है 33420 है, मतलब मुझे अभी जो प्राइस कोट करना है वो 33420 के नीचे करना है। यदि मैं फर्स्ट टाइम कोट कर रहा होता, किसी ने कोट किया हुआ नहीं रहता, तो मुझे इस रेट ये प्राइस से नीचे कोट करना पड़ता, पर किसी ने 33420 का रेट कोट किया हुआ है तो अभी मुझे इससे नीचे करना है। मैंने जो भी कोट किया है उसकी मुझे पूरी हिस्ट्री यहाँ मिलेगी, मतलब ये 33420 मेरा ही कोट किया हुआ है। यदि 100 हिस्ट्री करते हैं तो मुझे यहाँ पे मैंने जितनी बार भी रेट को कम करते हैं उसका पूरा हिस्ट्री मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये बिड कब तक चलेगा, और इसका 1 day 10 hours 19 minutes का बिड का टाइम बचा हुआ है, तब तक ये बिड रहेगा। जबकि ये बिड आप कभी भी चाहे तो ये बिड को आप भर सकते हैं। इसके कुछ रूल्स आ रहे हैं, जैसे कि आप जो रेट डिक्रीज करेंगे, मतलब डेट आप जितने कम करते जाएंगे वो 0.1% से कम नहीं होना चाहिए और 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसके बीच होना चाहिए। 0.1 to 30% के बीच ही आपका प्राइस कोट होना चाहिए। जैसे भी 100 rupees प्राइस चल रहा है L1 का, तो आप 1 rupee से लेके 30 rupees तक ही रेट को कम कर सकते हैं, मतलब या तो आप 99.5 में कोट नहीं कर सकते और 70 rupees से नीचे कोट नहीं कर सकते। जो भी प्राइस होगा उसके बीच आपको कोई भी प्राइस में कोट करना है। कोट कैसे करना है, यदि ये नॉर्मल बीड होता तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अपना रेट कोट करके इसको इनक्रिप्ट करके सेव कर देते, पर ये BOQ बीड है तो आपको ये BOQ यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको रेट इसका डालना पड़ेगा। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली रेट डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक का रेट कम कर देता हूँ 420, मैंने ये रेट डाल दिया।
या फिर नहीं, ये मैंने एक रेट कोट कर दिया और इसको मैं फाइल को सेव कर दिया, यही फाइल को मैं अपलोड, चूज फाइल, फाइल हो गया। देखिए मैं अभी मेरा प्राइस हो गया 33,350, ये मेरा रेट आ चुका। अब इसको मैं 1.58% से डिक्रीज हो रहा है, हमको इसको सेव करना है। जैसे ही सेव कर देंगे ये डिक्रीज हो जाएगा और मेरा भी यहाँ पे L1 33,350 आ जाएगा, और हिस्ट्री में भी मेरा करंट ऑफर प्राइस भी मुझे यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। तो मैं कितनी बार भी यहाँ पे रेट को बदल सकता हूँ 1 days के अंदर, ये जब तक ये एंड नहीं हो जाता है, ये पूरे आरएल रिवर्स ऑप्शन भरने का ये पूरा प्रोसीजर है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक करना मत। थैंक यू।